में बड़े ही धूमधाम से छठ महापर्व मनाया जाता है। चार दिनों तक चलने वाला ये महापर्व बेहद कठिन माना जाता है। इस पर्व को करने वाले व्रती पूरे 36 घंटे का निर्जला उपवास रखते हैं। खास तौर से यूपी, बिहार और झारखंड में इसकी अलग ही रौनक देखने को मिलती है। देश के कोने कोने से लोग इस पर्व को देखने के लिए पहुँचते हैं। ऐसे में हालात ऐसे बन जाते हैं कि न तो बस और न ही ट्रेन में टिकट मिल पाती है। ये पर्व सूर्य देवता को समर्पित है। छठ पूजा में सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि छठ व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत की कई कहानियां भी प्रचलित हैं। कुछ लोग इसकी शुरुआत महाभारत काल तो कुछ लोग रामायण काल में होना बताते हैं। वहीं कुछ जगहों पर दावा किया गया है कि छठ पूजा की शुरुआत रानी कर्णवती ने की थी। उन्होंने सूर्य देवता से प्रार्थना की थी कि उनके पुत्र स्वस्थ हो जाए। तब सूर्य देवता प्रसन्न हुए और उनके पुत्र स्वस्थ हो गए। तभी से छठ पूजा धूमधाम से मनाई जाने लगी। इस बार भी ये पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। छठ पूजा कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इस साल 2024 में षष्ठी तिथि 7 नवंबर दिन गुरुवार को तड़के सुबह 12:41 पर शुरू होगी और 8 नवंबर दिन शुक्रवार को तड़के सुबह 12:34 पर समाप्त होगी। ऐसे उदय तिथि के अनुसार छठ पूजा का पर्व 7 नवंबर दिन गुरुवार को ही मनाया जाएगा। छठ पूजा संपन्न करने के लिए इस तरह से शाम के समय का अर्घ्य 7 नवंबर को और सुबह का अर्घ्य 8 नवंबर को दिया जाएगा। इसके बाद व्रत का पारण किया जाएगा। छठ पूजा की शुरुआत नहाय खाय से होगी जो 5 नवंबर को है। वही खरना 6 नवंबर को है। ये महापर्व साल में 2 बार मनाया जाता है। पहला चैत्र महीने में जिसे चैती छठ कहते हैं, ये छोटे पैमाने पर मनाया जाता है, यानी कुछ गिने चुने परिवार के लोग इसे मनाते हैं। वहीं दूसरा कार्तिक महीने में मनाया जाने वाला छठ है। ये छठ बड़े स्तर पर धूमधाम से मनाया जाता है। भारत ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी लोग छठ पर्व मनाते हैं। इसे महापर्व, बड़का पर्व, सूर्य षष्ठी, डाला छठ, डाला पूजा और क्षेत्रीय पूजा के नाम से जाना जाता है। महापर्व पर लोग देश विदेश से अपने घर वापस लौटते हैं।